आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है डिवाइडेड का है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर पूछा जाता है एस्टीमेट योर एज इन सेकंड आपने अपनी एज को सेकंड के अंदर जो सर कन्वर्ट करके बताना है तो इसे सपोज करते हैं एज ले लेते हैं माय एज इज 15 हियर 15 साल ठीक है आपकी जो एज होगी वो आपने सर इतनी है सपोज किया मैंने तो इसके अंदर सबसे पहले बता देते हैं 1 ईयर जो है वो इक्वल होगा 365.25 डेज यानी कि इसने 3 जो है 1 साल में जो दो थे आपको पता है तो 1 डे जो है वो इक्वल होगा 24 आवर्स के और 1 आवर जो होगा वो इक्वल होगा 60 मिनट्स के तो 1 मिनट की अगर बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू पे जाते जा रहे हैं 60 सेकंड हो गए तो अगर हम 1 साल के सेकंड निकालना चाहेंगे सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड इन सब को जो सब मल्टीप्लाई कर देंगे मैं कैलकुलेटर यूज करने लगा हूं 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये हमारे पास आ गया 315576000 सेकंड यानी कि 1 ईयर के अंदर जो है वो इतने सेकंड जो है हमारे पास है अवेलेबल होते हैं तो हम फिर जो है कितने निकालते हैं 15 ईयर के तो 15 इयर्स के लिए सेकंड जो है वो के हमारे पास वो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 315576000 सेकंड के साथ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 के साथ ये 15 ईयर जो है हमारे पास इक्वल आ गया ये मैंने मल्टीप्लाई किया 347336400 सेकंड ये हमारे पास जो है वो 15 साल के अंदर इतने सेकंड हमारे पास मौजूद होंगे तो अगर हम इसको जो है क्वांटिटी फॉर्म में लिखना चाहे तो 15 ईयर इज इक्वल टू 473364000 सेकंड्स तो इसका पॉइंट जो सब आपने चिप करना पॉइंट लास्ट पे है तो इसको चिप करेंगे यहां पे 4.73 तो ये आप अंदर से होगा आप ही कर सकते हैं अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं 4 into 10 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 seconds. ये 15 साल के अंदर इतने हमारे पास है सेकंड्स मौजूद होंगे क्लियर है